हेलो वेलकम बैक गाइस। आपको याद है लास्ट वाले वीडियो में आयरन मैन मुझसे कुछ स्पेशल काम कराने के लिए बोल रहा था और मैं जैसे जैसे तो मना किया था बट उसने अपना काम बता ही दिया। वेल उसका काम अपन बाद में करेंगे लेकिन आज के मजे ले दो क्योंकि आज शिनचैन और चॉप ऑलरेडी स्कूल जा चुके हैं। और गाइस आज मुझे मौका मिला इतने समय बाद कि मैं अपनी जो सुपर कार थी आपको याद है अपनी सुपर कार वो सुपर कार अपन आज निकालने वाले। आज सही मुहूर्त निकला है क्योंकि आज ना तो अपने पास अपनी बाइक है और ना ही जो अपने को रिमोट कंट्रोल कार मिली थी वो है क्योंकि सब कुछ लाइक लिटरली सब कुछ आयरन मैन के पास रखा हुआ है। तो अपने पास कुछ नहीं बचा है भाई, तो अब अपन अपनी सुपर कार खोलेंगे। ऑल राइट वेल गाइस, इसको हमने मॉडिफाइड करा था और ये इतनी महंगी हो गई है कि इसको ना चलाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, इसे आज निकालू कि नहीं, कम ट्रैफिक मिले, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए क्योंकि गाइस इस पे जो कलर चढ़ा है वो भी काफी क्रेजी है। थोड़े से मैं स्क्रैच से इसका पूरा लुक खराब हो सकता है इसलिए मैं बहुत सोच समझ के इसको निकालता हूँ यार। और प्लस इसको रखने की भी कोई खास जगह नहीं है भाई, मैं तो कंटेनर में ही डाल दिया था। बट स्टिल अभी थोड़ी देर और है, उसके बाद इन लोग की छुट्टी हो जाएगी, इन लोग को स्कूल से ले आऊंगा मैं, उसके बाद पता करते हैं इनके स्कूल में क्या चल रहा है। पर फिलहाल मैं तो आज मार्केट जा रहा हूँ भाई। A few hours later। अरे बच्चे अब छुट्टी तो हो गई लेकिन आज तो हमने खामखा ही बहुत सारी डांट खा लिया। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, वही तो, हम बेफालतू का ही आज स्कूल बस से बैन हो गए हैं चप, अब हम क्या करेंगे। अरे भाई शुक्र मनाओ, हमें स्कूल बस से ही सस्पेंड किया है, अगर क्लास से करते तो फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। हाँ सही बोल रहे हैं लेकिन अरिन भाई को कैसे बताएंगे। क्या कैसे बताएंगे, जो जैसा हुआ है वैसा ही बता देंगे भाई। अरे हाँ आर्यन भाई से झूठ बोलने का मतलब भी नहीं है कब। अरे ये रही, हाय आर्यन भाई आप कैसे हो। अरे भाई मैं बढ़िया, रुक जा एक मिनट, गेम खत्म होने दे, बस 2 मिनट बचा है। अरे भाई मर गया यार, छोड़, चलो बैठो भाई। क्या सीन रहा स्कूल का। बहुत बुरा रहा। बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा क्यों रहा भाई, क्या हो गया। अरे मुझे भी बैठा भाई। हाँ भाई बैठा लिया, बताओ क्या हुआ। आर्यन भाई हम लोग सब लोग ना दोस्त लोग मस्ती कर रहे थे ठीक है, और मस्ती करते करते ना एक बच्चा ना पैंट में ही सुसु कर दिया बस के अंदर। व्हाट, स्कूल बस के अंदर ही सुसु कर दिया, ये कैसा बच्चा है। अरे भाई जब जोर से प्रेशर आता है तब तुम्हें क्या पता। हाँ तुझे अच्छे से पता है जब जोर से प्रेशर आता है तो क्या होता है। फिर आगे क्या हुआ भाई ये बता। तो उस बेचारे बच्चे का ना सबने बहुत मजाक उड़ाया ठीक है, और हम दोनों तो बस बाकियों के जोक पे हंस रहे थे, अब वो लोग जोक ही ऐसे मार रहे थे। क्या भाई ऐसे क्या जोक मार रहे थे, मेरे को भी एक बार कुछ तो बता, थोड़ा सा तो बता। एक बच्चा बोलता है कि तेरा नाम है सुसुसुर, इसीलिए तो तूने सुसु की है चलती बस में। और एक बच्चा बोलता है कि तू 20 लीटर पानी पीता है और सिर्फ 1 लीटर निकलता है, लगता है बाकी की सुसु को तू पी जाता होगा। अरे भाई इसमें जोक क्या है। वही तो, इसमें कोई जोक ही नहीं था इसलिए हम लोग उस बच्चे के ऊपर ही हंस रहे थे कि वो कुछ भी बोल रहा है। अरे तो हंसने से ऐसी दिक्कत क्या हो गई। अरे हंसने से नहीं हुई, दिक्कत हुई जब हम लोग ने हंसते हंसते एक बच्चे ने क्या किया पता है। अरे भाई जल्दी बोल, पीछे ट्रेन जा रही है। अभी बताते हैं, एक बच्चा ना हंसते हंसते खिड़की से ना अपना मुंह बार बार बाहर निकाल रहा था, तो उसने जैसे मुंह बाहर निकाला ना उसी समय किसी चिड़िया ने इसके मुंह पे पट्टी कर दी। व्हाट, पट्टी कर दी। भाई स्कूल है कि क्या है, तुम्हारे बस के अंदर कितनी सारी ट्रेजेडी होती है, फिर क्या हुआ। जब पट्टी की तो सब उस पर हंसने लगे लेकिन वो बच्चे का गुस्सा आ गया तो उसने चिड़िया पे वापस पट्टी कर दी। वेट व्हाट, चिड़िया पे वापस पट्टी कैसे कर सकता है वो। आई मीन उसका निशाना चिड़िया था लेकिन उसकी पट्टी बस में ही गिर गई। अरे भाई बच्चे हो कि डॉगी हो, क्या हो तुम लोग। भाई तो चॉप से सीखो भाई, चॉप से कुछ ना सीखो भाई। फिर क्या हुआ। फिर होना क्या था, सबको लगा कि ये डॉगी है तो डॉगी ने ही पार्टी करी होगी, तो उसने चॉप का नाम फंसा दिया। आर्यन भाई क्या बोल रहा है, चॉप का खाली फुकट नाम फंसा दिया। लेकिन मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं तो पार्टी कभी भी कर दूं। हाँ तेरे को क्या फर्क पड़ेगा भाई, शिनचैन की इमेज गई ना। वही तो भाई, सब बोल रहे थे कि तेरा डॉगी अपनी पार्टी भी नहीं रोक सकता, क्या सिखाया तूने, यही ऐसा वैसे कर रही थी। फिर क्या हुआ। तो टीचर ने मुझे स्कूल में बस में आने से मना कर दिया। व्हाट, बस में आने से मना कर दिया भाई, ये क्या बात हुई। और आर्यन भाई जब को बस में नहीं जाने देंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ वैसे इट मेक सेंस। अच्छा चलो ठीक है गाइस, यार अब इन लोग को ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनको ना थोड़ा खुशी हो, इतना ज्यादा दुख ना हो, क्या कर रहे। ऑल राइट एक काम करते हैं ब्रोस, मेरी बात सुनो। देखो स्कूल बस में जाना बैन हुआ है ठीक है, बस में जाना तो नहीं तो अपन इस गाड़ी के बदले एक बस लेंगे ठीक है। अरे नहीं 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 ऐसा ना करो मास्टर, इतनी बढ़िया गाड़ी है इसे बेच के बस लेना बेवकूफी होगी। अरे पूरा तो सुनो, अपन एक खटारा बस लेंगे इस गाड़ी। अच्छा चलो ठीक है, इस गाड़ी को नहीं बेचते, अपन कोई पुरानी सी बस उठाते हैं कहीं से ठीक है ना, और उस बस को ना अपन घर जैसा बना देंगे ठीक है, तो वो एक होम बस हो जाएगी और उसमें तुम लोग रोज ना मतलब अगर लेट भी हो गए तो मैं तुम लोग तैयार होते होते भी स्कूल छोड़ सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो वो ये चलो सबसे पहले एक खटारा बस ढूंढते हैं और अपन जिस जगह पे यहाँ पे मिलना बहुत आसान है
एक खटारा बस। अरे मास्टर, बस के टुकड़े तो हमारे घर के पास भी है। अरे बट वो वाले टुकड़े इतने, एक मिनट रुक जा। ओ भाई ओके, बट यहाँ पे कोई भी, ओके वेट गाइस, ये पूरी की पूरी बस है। ऑल राइट, बस इस बस में इंजन नहीं है, चक्की नहीं है। अरे इंजन है, वेट गाइस, इंजन है भाई। अपना आधा खर्चा बच गया, बस चक्की नहीं है गाइस। अपन इसको टो करके ना अपने जो चाचा नहीं है मैकेनिक वाले, जिनसे अपने ये कार भी मॉडिफाइड कराई थी, उनके पास ही लेके चलते भाई। वो ना मॉडिफिकेशन के मतलब सीधा सीधा ना एक मास्टर है भाई, उनसे प्रो कोई नहीं है। सबसे पहले इसको ना टो करते हैं, रुको। ऑल राइट लेट्स गो गाइस, अब ना अपन सबसे पहले अपने चाचा के पास चलते हैं। हां मास्टर, स्कूल बस में घर बनेगा तब तो बड़ा मजा आएगा। भाई बनेगा नहीं, मतलब अपन सोच रहे कि बन जाए तो मजा है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑल राइट गाइस, अपन पहुंच गए। मैं बड़ी सी बस को अंकल को बता दिया, अब ये देख रहे हैं कुछ कि इसका इंजन कितना बुरा है, कितना खराब हुआ है, और अभी थोड़ी देर में बता देंगे। बट हाँ, इन्होंने बोला है कि अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो फिर ऐसे करूंगा कि तुम पहचान ना पाओगे, या तो फिर मैं नहीं करूंगा। गाइस आई होप कि ये कर दे भाई, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि देखो मैं तुम्हें ये बस को चलती हालत में बना के दे दूंगा, और तुम्हें जो एक्चुअल बस होती है उससे काफी सस्ती पड़ेगी। बट मैंने जब इन्हें बताया ना, वो होम बस बनाना है अपने को अंदर में बढ़िया एकदम प्यारा सा सीक्रेट रूम हो, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई वो तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो, जिससे हो उससे करवा लो, बट मैं तुम्हें एक बस बना के दे दूंगा। यार गाइस चलो ठीक है, अब इनको भी क्या बोल सकते हैं। गाइस मैंने तो सोचा कि देखो यहाँ पे ना इस साइड पे अगर एक बिस्तर हो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे एक बिस्तर हो, और अगर हो सके तो यहाँ पे एक किचन जैसी जगह हो, और फिर यहाँ पे बाथरूम हो, तो गाइस अपन काफी दूर दूर भी जा सकेंगे इस बस पे बैठ के। बट अभी फिलहाल ये बस एटलीस्ट चलने लायक तो बने भाई, क्योंकि इसमें चक्का उक्का भी लगाना है भाई, बहुत सारे काम है। देखते हैं भाई एंड में कितना लेते हैं ये अंकल अपने से। और अभी फिलहाल अपन चलते हैं, अभी तो बहुत सारे काम है गाइस। और आयरन मैन का मिशन मैं आप लोगों को बता दूं ना, तो आप लोग भी डर जाओगे। आयरन भाई वो सब छोड़ो, ये रोल्स रॉयस तो देखो यार, इसका कलर नहीं पता क्यों बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ मतलब कलर अच्छा लग रहा है, और भाई रोल्स रॉयस है भाई, इस पे कोई भी कलर चढ़े अच्छा ही लगेगा तेरे को, ठीक है। वेल गाइस, लेकिन अगर आप कंपेयर करो, अपनी गाड़ी प्योर कलर, इतनी ज्यादा कलरफुल है कि भाई कलर फीके पड़ जाए, और ये गाड़ी बिना कलर की भी अच्छी लग रही है। यार गाइस यार, मैं सोचा था अपन इतने दूर आए, और भाई देखो ये अंकल के ना हमेशा शोरूम में गाड़ी अपग्रेड होते रहती है, तो एक बार पूरी चेकआउट कर लेते हैं यार, कौन कौन सी नई गाड़ी आई है। गाइस ये नई गाड़ी आई है भाई, इसके पीछे से जो लुक है ना भाई, ये लुक देख के तो मैं ऑलरेडी इस पे ना भाई मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। अगर आपको भी ये पसंद आ रही तो गाइस लाइक कर दो यार, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। अपन अभी और कार देखते हैं, और इसमें ना मेन कार ना ऊपर इन्हें शोरूम में रखते हैं, और इन कार ना, और इन अंकल की जो शोरूम है ना ये वाला, इसमें ना मतलब बहुत ज्यादा यूनिक कार आती है, इसके कारण ये फेमस है। इनमें अलग अलग टाइप की कार आती है, कभी कोई सुपर कार आ गई, कभी कोई फेमस, कभी कोई अलग, मतलब कुछ भी चलता है ना यहाँ पे। ऊपर चल के देखते हैं गाइस, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कुछ तो कुछ नई कार आई होगी, कन्फर्म हूँ मैं। ऑल राइट लेट्स गो, लेट गो। ओके ये शायद पुरानी है, बट ओ भाई ये नई है। वेट गाइस ये कैसी कार है? इस कार का इंजन विजिबल है और कुछ विजिबल नहीं है, ठीक है भाई। बट ये गाड़ी दिखने में काफी अच्छी और बहुत यूनिक है, व्हाइट कलर है, और उसके बाद चक्कों के ऊपर इस पे ग्राफिटी हुई है, ठीक है बढ़िया। ओ वेट गाइस, भाई साहब ये तो तगड़ी लग रही है, मतलब एक नॉर्मल सी कार में इतना बड़ा सस्पेंशन लगा है भाई, और इतने बड़े चक्के, ये काफी क्रेजी है, ठीक है। ओ भाई वेट व्हाट, ये क्या चीज है भाई, एक मिनट, अलग नहीं लग रही है कार, आई मीन ओके भाई ये क्रेजी कार है गाइस। उसके वेट ये क्या है भाई, ये अच्छे से बनी नहीं है या फिर ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि गाइस ये तो बहुत क्रेजी है भाई, इसके मतलब कलर भी अच्छा चढ़ा है, और इसका इंजन भी अलग से दिख रहा है, और फिर ये कोई भाई बहुत ही पुरानी कार है। इसे छोड़ो, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, अपन वापस निकलते हैं यार। कार वार देख के ना अच्छा ही लगता है यार, एटलीस्ट कम से कम नई नई कार देखो। खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, देख के तो। ओ शिट गाइस, अब अंकल को अगर पता चलेगा कि सब मैंने तोड़ा है तो वो मेरी बस के साथ बहुत सारे खर्चे छोड़ देंगे। तो मैं ऐसे निकलता हूँ भाई, इंजन जल्दी गाड़ी में बैठ, यहाँ से भगने का समय आ गया है। वेट ये चौप कहाँ गया? अरे यार भाई चौप इधर उधर मत भगा कर गाइस। मास्टर मैं आ गया। अरे भाई कार के पीछे कभी नहीं खड़ा होना, तेको बताया था ना मैं। अरे हाँ मैं अंदर आता हूँ। ऑल राइट गाइस, अब ना ये अंकल बोले एटलीस्ट कुछ दिन का तो समय मेरे को दो भाई, क्योंकि बहुत सारा काम है तुम्हारा। तो मैं बोला चलो भाई अब कुछ दिन से बढ़िया। मैं उन्हें बोला अंकल एक दिन के अंदर कैसे भी करके दो, तो उन्होंने बोला है कि कल रात तक शायद हो जाए। तो गाइस आई होप कि कल रात तक हो ही जाए। अभी फिर आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट काम करना है यार। वही तो, अब कब से आयरन मैन चाचा जी आपको क्या दिए है बता ही नहीं रहे हो भाई, मैं पूछ पूछ के परेशान हो गया हूँ। हाँ वही तो भाई, मास्टर बताओ भाई बताओ। अरे भाई तू तो गुस्सा ही हो रहा है, चल ठीक है। और अडा जब मैं यहाँ पे पहुंच ही गया, तो अब मैं तुम लोगों को विस्तार से बताता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे अपना काम चल रहा है। अपना काम चल रहा है, आप कब से काम वाम करने लगे, क्या सीन है, सच सच बताओ। अरे भाई आयरन मैन ने मेरे को बोला है कि उसका जो नया आयरन मैन सूट बन रहा है ना, मैं उसकी देख रेख करूँ, और यहाँ पे जितने लेबर्स हैं उन सबको मैं सुपरवाइज करूँ, प्लस अगर मैं काफी अच्छा काम करता
करता हूँ तो वो मुझे अपना सूट देंगे और उस सूट से मुझे वो बहुत दूर भेजेंगे एक मिशन पर, और अगर वो मिशन अच्छा हुआ तो मैं उनकी टीम ज्वाइन करूंगा। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें आप इतना डर क्यों रहे थे? भाई दोस्त समझ नहीं रहे, देखो सबसे पहले तो मैं दूसरे शहर नहीं दूसरे कंट्री जाऊंगा, ठीक है? अब मैं दूसरे कंट्री जाऊंगा तो तुम दोनों मेरे बिना रह पाओगे? इसमें क्या दिक्कत होगी? अरे यार भाई इन लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे से। अरे भाई मेरे को दिक्कत होगी ना गाइस, अब इन लोग के साथ रहने की आदत भी तो है। अरे भाई और फिर आयरन मैन के काम पे जान का भी तो खतरा होता है, तुम लोग को तो मालूम है यार, ऐसा मत बोलो। अरे यार आर्यन भाई आप इतना डरते क्यों हो जब आयरन मैन का सूट होगा? अरे भाई आर्यन मैन नहीं आयरन मैन। अरे जो भी मैन, जब उसका सूट होगा तो फिर आपको कौन क्या कर लेगा? आई मीन वो तो है, बट भाई ये काम बहुत भयानक है, अगर एक भी गलती हुई ठीक है किसी भी लेबर से तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा कि मैंने सूट ढंग से नहीं बनाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूट यहाँ से बनेगा इस फैक्ट्री से वो सूट तुम पहले खुद ही ट्राई करोगे। और गाइस यहाँ पे प्रॉपर सूट नहीं बन रहा, यहाँ पे सिर्फ सूट्स के रॉ मटेरियल बन के वहाँ पे जाते हैं उनके पास, एंड में तो वही कुछ भी करते हैं जो भी होता है, बट यहाँ पे रॉ मटेरियल एटलीस्ट वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना। बट मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ, जब शिनचैन और चॉप को कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है गाइस तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयरन मैन के वाला मिशन ले लेता हूँ, ताकि ना मतलब एक बार अगर अपने को भी आयरन मैन का सूट मिल गया ना भाई तो अपन ऐसे गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो सूट अपने को बचा लेगा और उसे लगे भी नहीं, जो मेरे को जोर से सर पे लगी वो लगेगी भी नहीं। वेल हाँ तो अभी यही सीन है। ये देखो अभी इन बंदे लोग को मैंने कहा भी था भाई अच्छे से काम वाम करो, बट नहीं यहाँ पे बढ़िया तुम लोग को अभी चाय नाश्ता सूझा है ना भाई, एक काम कर ले यार, देखो मैं बोला था ना जाके काम कर, बट नहीं देखो काम नहीं करना है। अरे काम नहीं करेगा वो तो ठीक है, बट तू मारने लगा मेरे को। अरे भाई शिनचैन तू बड़ों के मामले में मत पड़, अब तो मार खा रही हो। अरे तू अभी चिंता ना कर भाई, देख मैंने इसको बोला है कि मेरे पास आयरन मैन सूट अभी नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास पावर्स नहीं है, ठीक है ना? एटलीस्ट मेरे को बॉक्सिंग आती है ब्रो, ये ले इसीलिए ये अपना काम करता तो इसको ऐसा नहीं करना पड़ता। वेल अभी फिलहाल अपन वापस चलते हैं, क्योंकि गाइस आज तो मैं बढ़िया चैन की नींद सोऊंगा क्योंकि कल हमारी बस तैयार हो जाएगी। भाई मैं उस बस के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। चलो फिर आज तो अपन घर जाके सोएंगे गाइस, बट कल अपन देखते हैं कि अपनी बस कैसी रहेगी। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो उस बस को देखने के लिए अपनी होम बस, तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अपने अगले एपिसोड में वही आएगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक करो। अपन मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, बाय।